तो देखिए दोस्त, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति का, ठीक। और संख्या पद्धति का अभी ये पहला पार्ट है, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर मतलब लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे, और हर एक पाठ का, जैसे ये संख्या पद्धति हुआ वैसे ही प्रतिशत का, हर एक का मतलब फर्स्ट में बेसिक बताएंगे, उसके बाद से सेकेंड में उससे थोड़ा रिलेटेड सवाल बताएंगे, उससे थर्ड में मतलब जो हार्ड सवाल होगा वो बताएंगे, मतलब कि हर एक पाठ में 3 से 4 पाठ हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट है ये, देखिए। तो इसमें क्या होता है, कुछ संख्या होती है, तो पहले उस संख्या को जान लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जैसे इसको लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृतिक संख्या, और कहाँ तक हो जाती है, अनंत तक। देखिए प्राकृतिक संख्या कोई अंत नहीं है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद से देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सेम प्राकृतिक संख्या होती है, केवल उसमें क्या होता है, पहले 0 लग जाता है, ठीक, 0 लग जाता है, बाकी सभी संख्याएँ वहीं रहती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक ये भी आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आपको पता हो कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि 0 को छोड़कर जितने भी सभी संख्याएँ होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं, और प्राकृतिक संख्या अंत कितने तक होती हैं, तो वो अनंत तक होती है, ठीक है दोस्त। और पूर्ण संख्या 0 को लेकर और प्राकृतिक संख्या भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, 0 के साथ साथ में देखिए प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, और ये भी अनंत तक होता है, ठीक। अभाज्य या रूढ़ संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या कहलाता है, जो कि स्वयं से कटता है, नहीं तो 1 से कटता है। देखिए 1 ऐसा है कि वो किसी से भी कट जाता है, किसी संख्या को कटा सकते हैं उससे, तो देखिए वही अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या जैसे मान लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर बात करें, तो देखिए 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है, 1 को मत लीजिएगा। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, और ये कैसा समअभाज्य संख्या है, देखिए 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से 11 है, 13 है, मतलब इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जैसे कि जो स्वयं से कटे, ठीक, और 1 से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो 2 स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, तो ऐसे अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्त। भाज्य संख्या जो देखिए क्या कहते हैं, वो तो स्वयं से तो कटे, उसके साथ साथ दूसरे संख्या से भी कटे, जैसे देखिए 4, 4, 4 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा, 6 भी हुआ, 6 भी 2 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, उसके बाद से 8 हो गया, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, ऐसे करके अगर 10 भी मानेंगे तो 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक। अभी यहाँ पर हम परिचय दे रहे हैं कि कौन सी संख्या क्या है। उसके बाद से देखिए सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, तो इसको अगर मानना होगा संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति में इसको कैसे मानेंगे, तो देखिए संख्या पद्धति में सम संख्या मानने के लिए एक्स, ठीक है, पहला एक्स हो गया, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 4, ऐसे ही मतलब 2 2 जोड़ करके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, ये लगातार विषम संख्या है, 1 1 को छोड़ कर के बीच में सम आ जाएगा, 1 और 3 के बीच में सम आ जाएगा, ठीक, 3 और 5 के बीच में, देखिए 2 विषम संख्याओं के बीच की संख्या सम संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 और 5 विषम संख्या है, इसके बीच की संख्या क्या होगी, 4 होगी, वह सम संख्या होगी, लेकिन इसको भी मानने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4। अब आप कहेंगे कि सर सम संख्या भी एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 मान लिए और विषम संख्या, देखिए अगर एक्स के जगह पर 2 रखेंगे सम संख्या में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 मतलब कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम विषम की जगह पे 1 रखेंगे एक्स के जगह पे, तो यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। तो देखिए सम या विषम मानना हो तो एक्स से ही मानते हैं, और 2 2 के अंतर पे, तो एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, देखिए विषम में एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद से देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो संख्या है जो कि क्या होता है कि एम बटा एन के रूप में लिखा जाता है, ठीक, एम बटा एन के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, एम बटा एन के रूप में जो लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए
एम बट एन के रूप में ये परिमेय संख्या है, जिसको एम बट एन के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि देखिए 2/3 ये परिमेय संख्या हो गया अगर दे दिया रहेगा तो, ठीक 4/2 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर केवल 4 दे देगा ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि बटा में 1 मानेंगे तो उससे कोई अंतर नहीं होगा, ठीक तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को एम बटा एन के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ठीक है दोस्तों एम बटा एन के रूप में इसे नहीं लिखते हैं। देखिए ये ज़्यादातर क्या होता है, ये करणी में होता है, जैसे कि देखिए करणी में 5 ये अपरिमेय संख्या है, करणी में 10 ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें तो देखिए करणी में 20 मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं चाहिए, ठीक अगर करणी में 25 लिखेंगे दोस्त तो करणी में 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी क्योंकि ये बाहर निकलेगा करणी में से तो ये क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक 5 होगा तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो संख्या का पता चल गया आपको कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब ये केवल आपको परिचय बताए, अब इससे रिलेटेड अब सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इससे रिलेटेड अब सवाल है तो इसको कैसे करेंगे सवाल, पहला सवाल है कि किसी संख्या के 5/6 के 2/3, ठीक तो किसी संख्या के 5/6 के, ठीक है तो देखिए कोई संख्या मान लेंगे x तो इसके 5/6 का मतलब गुणा हो जाएगा तो 5/6 के, ठीक 2/3 मतलब के माने गुणा 2/3, ठीक हो गया। उसके बाद से 2/3 का 3/4 इसका भी फिर कह रहा है 3 का 3/4 कितना है 15 है, ठीक तो 15 है तो ये कह रहा है कि संख्या क्या होगी, देखिए कह रहा है किसी संख्या के, तो संख्या हम x मान लिए तो उस संख्या के 5/6, ठीक ना उस संख्या के 5/6 के मतलब गुणा 2/3, ठीक फिर 2/3 के कह रहा है 3/4 बराबर कितना है 15 है तो वो संख्या कितनी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम संख्या वो तो 3 से 3 कटा देंगे, 2 से 1 कटाएंगे, 6 तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 3 और यहाँ से हम कटा देंगे 5 से ये 15 तो 3 बार में कट जाएगा, देखिए 3 × 4 × 3 हो जाएगी, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 4 × 3 = 36 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा वो संख्या दोस्तों तो x बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। कोई भी अगर संख्या कहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे कि x मान लेंगे संख्या को, ठीक है उसके बाद से उसको हल कर देंगे। उसके बाद से देखिए अगर अगला सवाल कहें तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसमें एकदम मतलब स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग, ठीक 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग, तो 2 अंकों की एक संख्या तो एक अंक हम x मान लिए और दूसरा क्या मान लिए y, क्या है ये अंक है x और y अंक है, तो ये कह रहा है कि दोनों अंकों के योग मतलब x प्लस y, ठीक हो गया योग, योग कितना है 8 है और उसका गुणनफल 15 है और इसका जो दे दिया है गुणनफल मतलब x और y क्या दे दिया है 15 दे दिया है, ठीक तो इसका अगर हम ट्रिक से करेंगे तो वो भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर विधोत करेंगे तो मतलब क्या उसका चाहिए हमें संख्या, तो x और y का मान चाहिए दोस्तों, ठीक है तो x और y का मान चाहिए तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x और y का मान आ जाए, x प्लस वाई दे ही दिया है, x y दे ही दिया तो हम कहेंगे कि x माइनस वाई निकालेंगे तब समीकरण पर हल कर देंगे। तो पहले इसका x माइनस वाई निकाल लीजिए, ठीक x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे ना x माइनस वाई का तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक सूत्र भी तैयार हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होगा ना, तो देखिए x माइनस वाई को ऐसे ही रहने दे इसको, और देखिए x प्लस वाई के जगह पे 8 है तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, और माइनस 4 × 15 है तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा, तो x माइनस वाई करेंगे तो इधर करणी में हो जाएगा 4 = 2 हो जाएगा, ठीक करणी से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, करणी से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा इसका हो गया था, देखिए करणी से बाहर करेंगे तो इसका 2 हो गया, ठीक समझ में आ रहा है। उसके बाद से देखिए तो ये मेरा हो गया यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई 2 हो गया, तो यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर यहाँ पे दे दिया है 8, वहाँ यहाँ से लेंगे तो समीकरण 1 से, और x माइनस वाई यहाँ पे समीकरण 2 अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे हो गया 2,
तो इसको काट देंगे तो एक्स एक्स टू एक्स हो गया और बराबर यहाँ पे आठ दो दस हो गया, तो एक्स बराबर पाँच हो गया। अगर एक्स का मान पाँच इसमें रखेंगे किसी भी समीकरण में, एक या दो में किसी में रखिए, तो एक्स का मान इसमें पाँच रखेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या क्या मान्य थे, एक्स और वाई थे। एक्स का अगर पाँच हो गया तो वाई का तीन हो गया, तो पाँच तीन तिरपन हो गया। ठीक, तो इसको जोड़ कर देखिए, पाँच तीन आठ हो गया, पाँच तीन पंद्रह हो गया। ठीक है दोस्तों, पाँच तीन आठ और पाँच तीन पंद्रह हो गया ना, तो ऐसे ही इसको करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर अगला सवाल अगर कहे तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कि किसी संख्या से जब 32 घटाते हैं, तो देखिए वो संख्या क्या मान ली, एक्स, और ये एक्स में से 32 घटा दिए तो एक्स माइनस 32 हो गया, तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये अपनी 60% हो जाती है। ठीक, कब हो जाती है, जब इसमें से एक्स माइनस 32 कर देते हैं तब हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कटाएंगे और क्या करें कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे दोस्त। देखिए जीरो से जीरो कट गया, अगर बात करें तो दो से दो तीन छः कट गया, दो पाँच से दस कट गया। ठीक, तो देखिए तीन एक्स बराबर इधर जाएगा तो पाँच एक्स हो जाएगा माइनस 32 में पाँच से गुणा करेंगे। ठीक, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, 32 गुणा पाँच कर देते हैं। देखिए तो पाँच को अगर इधर लाएंगे तो दो एक्स हो जाएगा, दो एक्स बराबर 32 गुणा पाँच हो जाएगा, दो से ये कटा देंगे 16, तो 16 पच्चे 80, वो हम मेरा संख्या क्या हो गया, 80 हो गया। कुछ भी कहे दोस्त, तो वो पहले उसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो संख्या एक्स है, एक्स माइनस 32 मतलब 32 घटाए तो वो संख्या का 60% हो जाता है। देखिए एक्स माइनस 32 घटा दिए हैं तो क्या हो गया, एक्स का 60% हो गया। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो वही संख्या हो